नमस्कार, इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मुख्य अतिथि औसाफ अहमद उर्फ चांद भाई ने फीता काटकर फुटबॉल मैच का किया शुभारंभ। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में सिकंदरपुर क्षेत्र के बालूपुर के कस्मापुर में महात्मा बुद्ध फुटबॉल क्लब अंतर जनपद प्रतियोगिता का आयोजन 19 फरवरी को बरेली बनाम देवरिया के बीच सेमीफाइनल का मुकाबला खेला गया, जिसमें बरेली ने 1-0 हासिल किया। दर्शकों से भरा खचाखच कस्मापुर के फील्ड में लोगों ने खूब फुटबॉल मैच का आनंद लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि औसाफ अहमद उर्फ चांद भाई ने फीता काटकर फुटबॉल मैच का शुभारंभ किया। श्री चांद ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं जो आप लोगों ने मुझे यहां बुलाकर सम्मान दिया है। मैं जीवन भर कर्जदार रहूंगा। खेल के माध्यम से युवा वर्ग को देश और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करना चाहिए। मेरा नाम औसाफ आलम उर्फ चांद है जी। कैसा कार्यक्रम था? कल ये कार्यक्रम सिकंदरपुर विधानसभा के अंतर्गत बालूपुर ग्राम पोस्ट बालूपुर कासमापुर के ग्राउंड में हुआ था जी, जिसमें मैं मुख्य अतिथि के रूप से बुलाया गया था जी। तो कैसा कार्यक्रम, किस प्रकार का? फुटबॉल का टूर्नामेंट था, अंतर जनपदीय फुटबॉल का टूर्नामेंट था। आप लोग देख रहे हैं कि फुटबॉल अब हर गांव से, जो पहले हर गांव में खेला जाता था, हर ग्राउंड में नौजवान खेलते थे, फुटबॉल एकदम खत्म होता जा रहा है। इसको उन्होंने जीवंत किया, जिसके लिए मैं बालूपुर के ग्रामवासियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि इस फुटबॉल को उन्होंने जीवंत किया जी। जी, उससे क्या लाभ है? लाभ इसमें लाभ और हानि क्या होता है? जैसे खेल है, फुटबॉल के प्लेयर हैं, अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन उन लोगों का क्या है कि बहुत सारे लोगों का सहयोग नहीं मिल पाता है। अब सब लोग चाहते हैं कि क्रिकेट खेले। आप हर गाँव में देखेंगे केवल क्रिकेट दिखेगा। फुटबॉल भी पहले दिखता था ना, अब कहाँ दिखता है गाँव में? लाभ इसमें नहीं है उन लोगों की। भाई अपनी फुटबॉल के प्लेयर हैं, अच्छा लगता है, अच्छा गेम है, तो जीवंत कर रहे हैं जी। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उन लोगों के फुटबॉल में इंटरेस्ट रखते हैं, मैं इसमें चाहता हूँ कि एक अच्छा ग्राउंड वगैरह बने, या फुटबॉल के उसमें उत्तर प्रदेश सरकार से इन लोगों को कुछ ऐसा सहयोग हो कि इस खेल को आगे बढ़ाया जाए। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।